वेलकम टू माय चैनल कुक विद तब्बू। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दो तरह के मटन फ्राई बनाने की रेसिपी। बहुत ही कम टाइम में इजीली बन जाते हैं ये दोनों डिशेस, पर इनका टेस्ट लाजवाब होता है। तो चलिए इस टेस्टी मटन फ्राई को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 500 ग्राम मटन लिया है, इसको अच्छी तरह से धोकर क्लीन करके रख लें। मैं इस मटन को प्रेशर कुक करके गला रही हूँ। आप चाहो तो इसे बिना प्रेशर कुक किए हांडी में भी बना सकते हैं। हाफ केजी मटन के लिए मैं इसमें 1 टीस्पून नमक यूज कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल दें। इसमें 4 से 5 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े और 3 छोटी इलायची भी डाल दें। इस गोश्त को मीडियम हीट पर 2 मिनट तक चम्मच चलाते हुए भून लें। जब गोश्त का कलर थोड़ा चेंज हो जाए तो इसमें 1/2 कप पानी डालकर इसको प्रेशर कुक करके मटन को गल जाने तक पका लें। मैंने इस गोश्त को मीडियम हीट पर कुक किया है और इस गोश्त को गलाने के लिए मुझे 8 विसल लगे, पर अगर गोश्त ज़्यादा सॉफ्ट है तो ये जल्दी भी गल सकता है और अगर हार्ड है तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। आप देख सकते हैं कि ये गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है, चले हम क्विकली ये वाला मसाला मटन फ्राई बना लेते हैं। एक पैन में 3 से 4 टेबलस्पून तेल को अच्छे से गरम कर लें। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें 2 मीडियम साइज की स्लाइस की हुई प्याज को डालकर भून लें। इस प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भून लेना है। आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर अब चेंज होकर गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दें। इस पेस्ट को भी प्याज के साथ 1 मिनट तक और भून लें ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अदरक और लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से भून लेने के बाद इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर भी डाल दें। और ये 1/4 कप सूखा नारियल का पाउडर है, आप चाहो तो इसमें फ्रेश नारियल भी यूज कर सकते हैं। इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसमें 1/4 कप जितना पानी डालकर इसको 2 मिनट तक और पका लें। अब इसमें 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी डाल दें और जो हमने मटन पहले से गला के रखा था उसमें से 1/2 मटन मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, यानी 250 ग्राम्स मटन मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। इसमें 1/4 कप पानी और डाल दें और इस मसाले को गोश्त के साथ 2 मिनट तक और पका लें। इस स्टेज पे आप इस डिश को टेस्ट करके इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि हमने गोश्त को गलाते वक्त भी इसमें नमक डाला था। गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दें और फ्लेम को ऑफ कर दें। ये टेस्टी मटन फ्राई बिल्कुल तैयार है। इसको गर्मा गर्म किसी भी राइस डिश के साथ या फिर रोटी चपाती या नान के साथ सर्व करें। बहुत ही टेस्टी बनती है ये डिश, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। चले मैं एक और मटन फ्राई की रेसिपी आपसे शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है और टेस्टी भी लगती है। जितना मटन हमने प्रेशर कुक किया था उसी में से 1/2 मटन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, यानी ये 250 ग्राम्स मटन है। और मैंने ये बोनलेस पीसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, आप चाहो तो इसमें विद बोन भी यूज कर सकते हैं। एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून तेल डालकर इसको अच्छी तरह से गरम कर लें। जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए तो इसमें थोड़े से करी पत्ते और 2 से 3 स्लिट की हुई हरी मिर्च डाल दें। थोड़ी देर चम्मच चला लेने के बाद इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दें और फौरन ही इसमें गोश्त के पीसेस डाल दें। लाल मिर्च का पाउडर इसमें डालने के बाद इमीडिएटली हमें गोश्त के पीसेस इसमें डालने हैं, वरना लाल मिर्च जल जाएगी। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर सकते हैं, पर गोश्त को गलाते वक्त हमने ऑलरेडी इसमें नमक डाला था,
तो मैं इसमें और नमक नहीं ऐड कर रही हूँ। इस गोश्त को एक मिनट तक भून लेने के बाद इसमें आधे लेमू का जूस डाल दें। इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फ्लेम को ऑफ कर दें। झटपट सा ये क्विक और चटपटा मटन फ्राई तैयार है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, पर ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आई होप कि आपको ये वाली भी रेसिपी पसंद आई होगी। इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करें। आप लोग इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।